मृत लोगों के लिए प्रार्थना करना सबसे उत्तम कार्य माना जाता है, क्योंकि वे अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकते और उनकी स्थिति में कल आप या हम पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करना है। इसलिए कलीसिया उसके लिए एक विशेष महीने को नवंबर माह को रखी। वास्तव में हमें हर दिन करना चाहिए, लेकिन इस नवंबर महीने में विशेष रूप से हम मृत लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आइए हम रोजरी विनती करते हुए सभी मृत लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके पहले, रोजरी विनती के पहले, हम स्तोत्र ग्रंथ से भी दो स्तोत्र लेकर, गीत लेकर हम उसको प्रार्थना करते हुए ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम साथ ही विश्वासियों के निवेदन के द्वारा भी हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए आइए हम भक्ति भावना के साथ आज की इस प्रार्थना में सहभागी हो जाए। हम सब पापी हैं, इसलिए ईश्वर की दया और उनकी क्षमा हम सबों को जरूरत है, और विशेष रूप से इन दिनों जब हम अपने मृत प्रियजनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए भी ईश्वर की दया याचना करना हमारे लिए उचित है और जरूरी है। तो जब हम स्तोत्र अध्याय 51 जब हम दोहराते हैं प्रार्थना के साथ में, हम हमारे प्रियजनों को भी ध्यान में रखकर, साथ ही उन लोगों को भी जिनके लिए प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं है, जिनको कोई भी याद नहीं करते हैं, उनको भी याद करके उनके लिए हम ईश्वर से, और हमारे लिए भी हम ईश्वर से दया याचना करें। आइए हम प्रार्थना करें। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, इसलिए तेरा निर्णय सही और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से ही पापी हूँ, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे अंधकरण को ज्ञान की बातें सिखा, मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा, मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी, मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर, ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना, अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर, मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर, उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना, मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे, ईश्वर तू मेरे मुक्तिदाता, मेरा उद्धार कर और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा, प्रभु मेरे होंठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा, तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार करता, मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा, तू पश्चातापी दीन हीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा, प्रभु सियोन पर दया दृष्टि कर, यरूशलेम की चार दीवारी फिर उठा, तब तू योग्य बलिदान होम तथा पूर्ण होति स्वीकार करेगा और तेरी वेदी पर बछड़े चढ़ाए जाएंगे। ईश्वर हम सबों के पाप क्षमा करते हैं, इसलिए हम दृढ़ भरोसे के साथ हम इस स्रोत को या गीत को हम ईश्वर के चरणों में अर्पित किए हैं। आइए हम प्रभु येसु के साथ जो क्रूस पर मर रहे थे, जैसे वे पिता के हाथों में अपने आप को अर्पित कर रहे थे दृढ़ भरोसे के साथ कि उनके पिता उन्हें पुनर्जीवित कर देंगे, उन्हें मृत्यु में पड़े रहने नहीं देंगे, वही भरोसा के साथ हम अपने प्रियजनों के लिए और अपने लिए ईश्वर से वही स्तोत्र का उपयोग करके हम प्रार्थना करेंगे। स्तोत्र 22, मेरे ईश्वर
तूने मुझे क्यों त्याग दिया? तू मेरी पुकार सुनकर मेरा उद्धार क्यों नहीं करता? मेरे ईश्वर, मैं दिन में पुकारता हूँ और तू उत्तर नहीं देता। मैं रात को पुकारता हूँ और मुझे शांति नहीं मिलती, यद्यपि तू मंदिर में विराजमान है। इसराइल तेरा स्तुतिगान करता है। हमारे पूर्वजों को तेरा भरोसा था, उन्होंने तुझ पर भरोसा रखा और तूने उनका उद्धार किया। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उन्हें मुक्त किया। उनको तेरा भरोसा था और तूने उन्हें निराश नहीं होने दिया। परंतु मैं मनुष्य नहीं कीट हूं, मनुष्यों द्वारा तिरस्कृत, लोगों द्वारा परित्यक्त। मुझे जो भी देखते हैं मेरा उपहास करते हैं, वे सिर हिलाते हुए मेरी हंसी उड़ाते हैं। उसने प्रभु पर भरोसा रखा, वही अब उसे बचाए। यह वह उसे प्यार करता है तो वह उसे छुड़ाए। तूने मुझे गर्भ से निकाला और माता की गोद में सुरक्षित रखा। मैं जन्म से ही तुझे अर्पित किया गया, माता के गर्भ से ही तू मेरा रक्षक है। मुझसे दूर ना जा, क्योंकि विपत्ति निकट है और मेरा कोई सहायक नहीं। प्रभु, मुझसे दूर ना जा, तू मेरा बल है। शीघ्र ही मेरी सहायता कर, मेरी आत्मा को तलवार से बचा, मेरे प्राणों को कुत्तों के पंजों से, मुझे सिंह के जबड़े से छुड़ा, मेरे प्राणों की जंगली सांडों के सींगों से। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूंगा, मैं सभाओं में तेरा स्तुतिगान करूंगा। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसकी स्तुति करो। याकूब के वंशजो, उसकी महिमा गाओ। इसराइल के सब वंशजो, उस पर श्रद्धा रखो, क्योंकि उसने दीन हीन का तिरस्कार नहीं किया, उसे उसकी दुर्गति से घृणा नहीं हुई, उसने उससे अपना मुख नहीं छिपाया, उसने उसकी पुकार पर ध्यान दिया। मैं तुझसे प्रेरित होकर भरी सभा में तेरा गुणगान करूंगा, मैं प्रभु भक्तों के सामने अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। जो दरिद्र हैं वे खाकर तृप्त हो जाएंगे, जो प्रभु की खोज में लगे हैं वे उसकी स्तुति करेंगे, उनका हृदय सदा सर्वदा जीवित रहे। समस्त पृथ्वी प्रभु का स्मरण करेगी और उसकी ओर अभिमुख हो जाएगी, सभी राष्ट्र उसे दंडवत करेंगे, क्योंकि प्रभु ही राजा है, वही राष्ट्रों का शासन करता है। पृथ्वी के सभी शासक उसी के सामने नतमस्तक होंगे, सभी मनुष्य उसी की आराधना करेंगे। मैं उसके लिए जीवित रहूंगा, मेरा वंश उसकी सेवा करता रहेगा, वह आने वाली पीढ़ी के लिए प्रभु के कार्यों का बखान करेगा और जिन लोगों का अब तक जन्म नहीं हुआ उनके लिए प्रभु का नाम घोषित करेगा। हम प्रभु पर दृढ़ भरोसा जताए हैं कि प्रभु हमें गलने नहीं देंगे। हम जरूर हमारी परिस्थिति को ईश्वर के सामने रखें, लेकिन पूर्ण भरोसा है कि ईश्वर हमें नष्ट होने नहीं देंगे। यही भरोसा हम हमारे प्रियजनों के लिए, हम सभी भाई बहनों के लिए जो शोधाग्नि में हैं, जो शुद्ध किए जा रहे हैं, पवित्र किए जा रहे हैं, हम उनके लिए भी यही गुणगान, यही स्तुति, यही गीत हम ईश्वर के चरणों में अर्पित करते हैं। ईश्वर हम सबों की प्रार्थना सुनकर सभी प्रियजनों को, सभी भाई बहनों को, जितने भी लोग वहां शुद्धिकरण के जगह पर हैं, सबों को उनके पापों को क्षमा करके ईश्वर अनंत जीवन प्रदान करें। आइए यही उद्देश्य लेकर सभी लोगों के लिए, संत पिताओं से लेकर आखिरी विश्वासी तक, जो अविश्वासी भी हैं, जितने भी लोग वहां शुद्धिकरण के जगह पर हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करें। हम पुरोहितों के लिए भी प्रार्थना करें, हम मृत धर्म बहनों के लिए, ब्रदरों के लिए, हमारे प्रियजनों के लिए, हम उन लोगों को कभी ना भूलें जिनके लिए प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं है। साथ ही हम उन शिशुओं के लिए भी प्रार्थना करें जिनकी हत्या उनकी मां के गर्भ में ही की गई थी, उन
बच्चों के लिए भी हम विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर सबों के पापों को क्षमा करके उन्हें अनंत जीवन प्रदान करे। विश्वासियों के निवेदन, क्रिस्त ने अपने क्रूस और मृत्यु द्वारा हमारे पाप का नष्ट कर दिया और अपनी कब्र से जी उठकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्ति दिलाई है। हम उनसे प्रार्थना करें और कहें, हे प्रभु यीशु, तू ही हमारा जीवन और पुनरुत्थान है। हे प्रभु यीशु, तू ही हमारा जीवन और पुनरुत्थान है। हे प्रभु यीशु, जीवित ईश्वर के पुत्र, तूने अपने मित्र लाजरुस को मृत्यु से पुनर्जीवित कर दिया था। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि जिन मृत व्यक्तियों को तूने अपने अमूल्य रक्त से बचाया है, उन्हें तू अनंत जीवन और महिमा प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, तू ही हमारा जीवन और पुनरुत्थान है। हे प्रभु यीशु, शोक में डूबे लोगों का दिलासा, तूने नईम की विधवा के मृत पुत्र को जिलाकर उसकी आंखों का आंसू पोंछ डाला था। उन लोगों को भी अपनी सांत्वना से भर दे जो अपने प्रियजनों की मृत्यु से शोकाकुल हैं। हे प्रभु यीशु, तू ही हमारा जीवन और पुनरुत्थान है। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता, तू उन सबके मन और हृदय को आलोकित कर जो तुझे नहीं जानते हैं, ऐसा कर कि वे पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करने लगे। हे प्रभु यीशु, तू ही हमारा जीवन और पुनरुत्थान है। हे प्रभु यीशु, संसार की ज्योति, तूने अंधे की रोशनी लौटाकर उसे तुझे पहचानने की शक्ति दी थी। उन मृत व्यक्तियों पर अपने महिमा में मुखमंडल की आभा चमका दे जिन्होंने विश्वास का प्रकाश प्राप्त नहीं किया है। हे प्रभु यीशु, तू ही हमारा जीवन और पुनरुत्थान है। हे प्रभु यीशु, हम विशेष रूप से शोधाग्नि की सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन सबों को तेरी करुणा मिले, तेरी दया प्राप्त हो, ताकि वे अपने पापों से छुटकारा पाकर शुद्ध किए जाकर, पवित्र किए जाकर तेरे स्वर्ग निवास में स्थान प्राप्त कर सके। हे प्रभु यीशु, तू ही हमारा जीवन और पुनरुत्थान है। आइए हम इन सभी प्रार्थनाओं को और हमारे मन में, दिल में जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, विशेष रूप से सभी लोगों के लिए हम पिता से प्रार्थना करते हुए जो प्रार्थना प्रभु यीशु हमें सिखाए उसके द्वारा हम अर्पित करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। ए हमारी प्यारी माँ मरियम, माँ जैसे तेरे गोद पर तो अपने प्रिय पुत्र का लाश पाई थी और दुखी होकर, लेकिन दृढ़ विश्वास करते हुए कि तेरा पुत्र पुनर्जीवित हो जाएगा, तू ईश्वर पर भरोसा रखकर वहां प्रार्थना करती रही। हे प्यारी माँ, तेरी सभी संतानों के लिए, विशेष रूप से जिनका शुद्धिकरण शोधाग्नि में किया जा रहा है, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। तो उनके लिए प्रार्थना कर और ईश्वर से दया याचना करके उन्हें अनंत जीवन दिला। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय, आमीन। आइए हम इन सभी प्रार्थनाओं को और सभी मृत लोगों को मां मरियम के द्वारा ईश्वर के पावन चरणों में अर्पित करते हुए हम पवित्र रोजरी विनती करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर सबों को अनंत जीवन प्रदान करें। इन प्रार्थनाओं के साथ साथ आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को भी मां मरियम के द्वारा ईश्वर के चरणों में अर्पित करिए। आइए हम रोजरी विनती शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे प्रभु, हम अपने को और हमारे सभी प्रियजनों को, विशेषकर जिनके लिए इन वेदों को चढ़ा रहे हैं, तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। माता मरियम और असंख्य दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरे प्रेम में इन वेदों पर मनन चिंतन और प्रार्थना करने की कृपा हमें प्रदान कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। पिता ईश्वर की प्रिय पुत्री माता मरियम, विश्वास का गुण हमारे अंदर फलवत होने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पुत्र यीशु क्रिस्त की प्रिय माँ, भरोसा का गुण हमारे अंदर प्रबल होने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पवित्र आत्मा ईश्वर की प्रियतम कुआरी मरियम, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश प्रेम हमारे हृदय में उमड़ने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रेरितों का धन्य सार, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुआरी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है
तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। महिमा के भेद। पहला भेद, प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठते हैं। चिंतन। विश्राम दिवस के बाद सप्ताह के प्रथम दिन पौ पड़ते ही नारियां ईसा के शरीर को सुगंधित द्रव्य से लेपन करने के लिए कब्र के पास पहुंची। उन्होंने पत्थर को कब्र से अलग लुढ़काया हुआ और खाली कब्र को पाया। तब स्वर्गदूत ने उन्हें दर्शन में कहा, आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हैं? वे जी उठे हैं। बाद में यीशु ने मरियम मगदलेना, प्रेरितों एवं अन्य अनेकों लोगों को दर्शन देकर उनके जी उठने का प्रमाण दिया। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है,
धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें आपकी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। दूसरा भेद, प्रभु येसु का स्वर्गारोहण। चिंतन, प्रभु येसु ने जी उठने के बाद अपने प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित हैं। वह 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहे और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते थे। इसके बाद येसु ने बथानिया तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। आशीष देते देते वह उनकी आंखों से ओझल हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। तब एक स्वर्गदूत ने उनके पास आकर कहा, वही प्रभु येसु जो आप लोगों के बीच से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें आपकी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। तीसरा अध्याय, पवित्र आत्मा ईश्वर प्रेरितों पर उतरते हैं। चिंतन, प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के 9 दिनों के बाद जब पंतकोस्त का दिन आया और जब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। उन्हें सुनने वाले सब लोग बड़े अचंभे में पड़कर चकित रह गए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में
और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें आपकी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। चौथा भेद, माता मरियम स्वर्ग में उठा ली जाती है। चिंतन, प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद उनकी इच्छा अनुसार उनके प्रिय शिष्य योहन ने माता मरियम को अपने यहां आश्रय दिया। वह यरूशलेम व एफेसुस में रहकर सुसमाचार का साक्षी बनी। पिता ईश्वर ने मुक्तिदाता प्रभु यीशु के समान सह मुक्तिदायिका मरियम को भी उनके इस संसार के जीवन के अंत में शरीर के साथ स्वर्ग में उठा लिया। प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है, तब स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजूषा मरियम दिखाई पड़ी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में
और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होगी, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें आपकी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। पांचवां भेद, मां मरियम को स्वर्ग में रानी का मुकुट पहनाया जाता है। चिंतन, प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है, आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया, सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी, उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को, विशेषकर जिन्हें आपकी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। अपने हाथों को जोड़कर, अपनी आंखें बंद करके हम कुंवारी मरियम की स्तुति विनती में सहभागी हो गए। करुणा मैं कुवारी
लिए। प्रशंसा की योग्य माँ, विनती करो माँ, निष्कलंक और निर्मल माँ, विनती करो माँ, शुद्ध और निर्मल माँ, विनती करो माँ, करो माँ, कुआरियों की रानी,
हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें, हे पिता, तेरे इकलौते पुत्र ने अपने जीवन, मृत्यु एवं पुनरुत्थान से हमारे लिए अनंत जीवन प्राप्त किया है। हम तुझसे विनती करते हैं कि पवित्र कुंवारी मरियम की अति पवित्र माला के इन भेदों पर मनन करते हुए जो कुछ वे सिखाते हैं हम उनका अनुकरण करें और जिनकी वे प्रतिज्ञा करते हैं उनको प्राप्त करें, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रणाम रानी, प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन, हमारी मधुरता और आशा तुझे प्रणाम। हम हेवा की निर्वासित संतान तुझे पुकारते हैं। हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे इस निर्वासन के बाद अपने गर्भ का पवित्र फल यीशु हमें दिखा। हे दयालु, हे प्रेममयी, हे मधुर कुमारी मरिया। आमीन। याद कर विनती, याद कर हे परम दयालु कुमारी मरियम, कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुमारियों की कुमारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ और कराहते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे क्रिस्त की माँ, मेरी विनती को अस्वीकार मत कर पर दया से उसको सुन और पूरा कर। आमीन। समारोह की आशीष के लिए सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। जिस ईश्वर ने अकथनीय प्रेम से मनुष्य का सृजन किया और अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा लोगों के हृदय में पुनर्जीवित होने की आशा जगाई, वही सांत्वना का ईश्वर आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर सब जीवित व्यक्तियों के पाप क्षमा करे और सब मृतकों को अनंत शांति तथा ज्योति का निवास प्रदान करे। आमीन। हम सबको जो पुनर्जीवित प्रभु पर विश्वास करते हैं, ईश्वर अपना आशीर्वाद प्रदान करे ताकि हम उसके अनंत आनंद में सहभागी बन सकें। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। ईश्वर हम सबों को पुनरुत्थान में भरोसा रखते हुए जीने की कृपा प्रदान करे, साथ ही साथ सभी मृत विश्वासियों को, मृत लोगों को अनंत जीवन प्रदान करें। हम अपने दैनिक प्रार्थनाओं में भी सभी मृत लोगों के लिए हम प्रार्थना करते रहें। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। सुंदर तुम
जीवन तेरा सादा अनोखा, किसी ने दुनिया में वैसा न देखा। ऐसा जीवन तेरा सादा अनोखा, किसी ने दुनिया में वैसा न देखा। अभिमान कहे यीशु की माता हो, हमारी भी माता तुम ही तो हो। हे माँ मरियम सुनो मरियम, सियोन पुत्री हो सुंदरी।